Assalamualaikum friends, hope you guys are doing well and fine. आज हम बनाने जा रहे हैं बाजार जैसे कीमे के समोसे। जी हाँ, ये बहुत ही मजे के बनते हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। तो चलिए इसे बनाते हैं हमारे किचन में। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में ये जो बेल आइकन है उसे दबाने से हमारी रेसिपीज आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमे के समोसे बनाने के लिए सबसे पहले हम हाई फ्लेम पे एक बर्तन लेंगे और इसमें डालेंगे तेल। तो यहाँ पे हमने रिफाइंड ऑयल लिया है 150 ml। तेल को गर्म होने देंगे। अब इसमें डालेंगे 3 मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज, साथ ही में ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा और इसे हम थोड़ा फ्राई करेंगे कि ये जो प्याज है हल्की सी ट्रांसपेरेंट हो जाए। हमें इसे लाल नहीं करना है, बस हल्की सी ट्रांसपेरेंट होने तक का ही फ्राई करना है। तो यहाँ पे हमारी जो प्याज है हल्की सी ट्रांसपेरेंट हो गई है। डालेंगे इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे 1 मिनट तक का भुनेंगे। यहाँ पे हमने 2 किलो कीमा लिया है, ये मटन का कीमा है, अच्छे से वॉश कर लिया है, ये इसमें डालेंगे। और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कीमा जो है वो पानी छोड़ेगा, तो अब हम जो है इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे स्लो फ्लेम करके इसे हम ढक के पकने देंगे कि जब तक का जो इसके अंदर पानी है वो सूख ना जाए। तो फ्लेम को स्लो कर देंगे और इसे ढक देंगे। तो यहाँ पे इसे एक बार चेक कर लेते हैं, इसमें अभी भी बहुत पानी बचा हुआ है, तो इसे एक बार चला लेंगे। और इसे स्लो फ्लेम पे ही ढक के पानी सूखने तक का पकने देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका पानी लगभग सूख चुका है। अब हम इसके अंदर कुछ पाउडर स्पाइसेस डालेंगे। तो 1 चम्मच यानी कि 1 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर डाला है इसमें। 2.5 चम्मच जो है लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, तेज वाला यूज कर रही हूँ मैं, आप अपने हिसाब से इसे कम ज्यादा भी कर सकते हैं। धनिया पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर डालेंगे 2 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर की रेसिपी हमने आपके साथ शेयर कर चुकी है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे 1.5 चम्मच, चाट मसाला डालेंगे 1 टीस्पून और ये चिली फ्लेक्स है यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च, इसे हम डालेंगे 2 टीस्पून। नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से, इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक का हाई फ्लेम करके इसे हम भूनेंगे। तो यहाँ पे हमारा इसे भून के हो गया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्ची। तो यहाँ पे हमने रफली पीस ली थी, ये 50 ग्राम हरी मिर्ची है तीखी वाली, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसे कम ज्यादा कर सकते हैं। इसे भी हम 1 मिनट तक का भूनेंगे। तो यहाँ पे हमने 1/2 किलो हरी मटर लिए है यानी कि ग्रीन पीस, इसे हमने 2 टीस्पून तेल में थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाला था 5-7 और इसके अंदर ये डाल के थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लिया था करीब 1-2 मिनट तक का, और ये इसमें डाल के हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसे स्लो फ्लेम पे ढक कर 5 मिनट तक का पकने देंगे ताकि जो ये हरी मटर है ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। तो इसे कवर कर देंगे। 5 मिनट हो गए हमारे, इसे एक बार मिक्स करेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे ये प्याज है, ये 1/4 किलो प्याज लिए हमने 750 ग्राम बारीक कटी हुई, ये ऐड करेंगे। ये 1 बंच धनिया पत्ती है यानी कि कोथमीर, ये भी बारीक कटी हुई है, ये इसमें डालेंगे। ये सब हमने ड्राई लिया है, इसे सुखा के फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे।
इस स्टेज पे आप यहाँ पे नमक एडजस्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कम लगे नमक तो यहाँ पर डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और अब हम इसे ढाक कर ही इसे थोड़ा हाई फ्लेम पे ही पकने देंगे कि ये जो प्याज हमने इसके अंदर डाली है वो हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। हमें एकदम सॉफ्ट नहीं करना है, बस इसे 2 मिनट तक ही हम ढाकेंगे और इसे पकने देंगे। यहाँ पे 2 मिनट हो गए हैं, ये हमारा तैयार है। इसे एक बार मिक्स करेंगे और फ्लेम को बंद करके इसे ठंडा होने देंगे। अब हम ग्लू तैयार करेंगे समोसों को स्टिक करने के लिए। तो यहाँ पे हमने 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, इसमें डालेंगे 2 कप पानी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि इसमें लम्स ना फॉर्म हो। अब फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसे कंटिन्यू स्टर करेंगे कि इसमें थिक थिक लम्स ना फॉर्म हो। और इसे हमें तब तक स्टर करके पकाना है जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए और हल्का सा स्टिकी जैसा थिक ना हो जाए। तो इसे कंटिन्यू स्टर करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये हल्का सा ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो गया, बस इसे स्टर करते जाएंगे। ऑलमोस्ट हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो गया है, फ्लेम को बंद कर देंगे और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरीके की होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमने रेडीमेड समोसे के पत्ते लिए हैं। मैं आप लोगों को 2 मेथड बता दूंगी, आप लोगों को जो ठीक लगे आप लोग वो मेथड से बनाइएगा। एक ट्राइंगल शेप देंगे एक शीट लेके इस तरीके से, फिर जो नीचे की टिप है उसे फोल्ड करते हुए हम एक और ट्राइंगल का शेप देंगे दूसरी तरफ ले जाते हुए। फोल्ड करते वक्त ध्यान देंगे कि जो इसका ये टिप है यहाँ पे गैपिंग ना रहे। और बस वो जो हमने फोल्ड किया है वहाँ पे थंब से पकड़ेंगे और इसे एक पॉकेट का फॉर्म देंगे इस तरीके से। अब हम इसके अंदर फिलिंग करेंगे तो बैटर भी हमारा ठंडा हो चुका है। अब एक स्टैंडर्ड साइज का स्पून लेंगे, उससे फिलिंग करेंगे ताकि सारे समोसे हमारे एक जैसे दिखे। तो एकदम ओवर क्राउडेड नहीं करना है, थोड़ा भरना है इसके अंदर। हल्के हाथ से थोड़ा प्रेस करेंगे, फिर इसे फोल्ड करेंगे कि जो कॉर्नर्स है उधर गैपिंग ना रहे इस तरीके से। और जो ये एक्स्ट्रा पोर्शन बचता है यहाँ पे हमने जो ग्लू बनाया है वो लगाएंगे और इसे स्टिक कर देंगे। तो ये हमारा मेथड नंबर 1 से समोसा तैयार है। इन केस अगर आपकी गैपिंग रह जाती है कहीं पे इस तरीके से, जैसे यहाँ पर मैंने बताई है, तो आप जो ग्लू हमने तैयार किया है वो उसके अंदर फिल कर लेंगे थोड़ा सा इस तरीके से। और इसे हम 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये सूख जाए। उससे क्या होता ये है कि जब हम फ्राई करेंगे तो जो फिलिंग है वो बाहर नहीं आएगी। तो ये मेथड नंबर 1 हुआ। मेथड नंबर 2 बता देते हैं। तो यहाँ पे एक शीट लेंगे, जैसे हम कोन बनाते हैं आइसक्रीम कोन उसी तरीके से बनाएंगे, लेकिन अंदर फिंगर डाल के इसे स्ट्रेच करते जाएंगे कि एक ट्रायंगल शेप ले ले। इस तरीके से स्ट्रेच करते वक्त ध्यान ये देना है कि जो एंड का पोर्शन है वहाँ पे गैपिंग ना रहे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर गैपिंग नहीं है। अब हम इसके अंदर फिलिंग करेंगे, तो वही स्पून से उतना ही फिलिंग करना है जितना आपने एक समोसे में किया है। हल्का सा प्रेस करेंगे, बस इसे साइड से दबाते हुए कि कॉर्नर्स में गैपिंग ना रहे इसे हम स्टिक कर देंगे जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसमें ग्लू लगा के। तो ये हमारा जो दूसरा तरीके से जो सेकंड मेथड था वो ये है। तो आपको जो मेथड कन्वीनियंट लगे आप वो मेथड से बना सकते हैं। ये 2 किलो केले में आपके 150 तक के समोसे बन जाते हैं। और अगर आपको इसे स्टोर करना है तो हमने आपको चिकन के समोसे की और स्प्रिंग रोल की रेसिपी दिखा दी है, उसके अंदर स्टोरी का मेथड बताया है। अब यहाँ पे हमने हाई फ्लेम पे तेल को गरम कर दिया है और अब मीडियम फ्लेम कर लिया है। इसमें समोसे डालेंगे 4 से 5, ज़्यादा ओवर क्राउड नहीं करेंगे और एक तरफ से ही इसे 4 से 5 मिनट तक का पकने देंगे कि ये लाइट गोल्डन ना हो जाए। तो इसे पकते हुए 5 मिनट हो गया है, ये लाइट गोल्डन हो गया है, इसे टर्न कर लेंगे। इसे दूसरी तरफ से भी 5 मिनट तक का हम पकने देंगे। तो यहाँ पे ये दूसरी तरफ भी लाइट गोल्डन हो गया है, बस इसे हम निकाल लेंगे। मीडियम फ्लेम पे ही इसे तलना है हमें। तो यहाँ पे हमारे कीवी के समोसे बिल्कुल तैयार है।
Thank you.